हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आपके साथ चेंज फ्रॉम फीट टू मीटर एंड यार्ड। कहने का मतलब है कि किसी भी एरिया अगर फीट में दिया गया है, कोई लेंथ फीट में दिया गया है, उसे हम मीटर में कैसे चेंज करेंगे, यार्ड में कैसे चेंज करेंगे, इंच में कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ किसी भी एरिया को कैसे हम फीट में और मीटर में, इंच में चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहां देखिए, वन फीट इक्वल टू होता है 1/3.28 मीटर। तो 1 में जब 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.30487, इसे थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं कि 1 फीट में कितना यार्ड होता है। तो 1 फीट इक्वल टू होता है 1/3 यार्ड। 1 फीट में 1/3 यार्ड गज होता है। तो 1 में 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 0.333 यार्ड या गज। तो 1 फीट में 0.333 यार्ड होता है। ठीक है, वन फीट में 12 इंच होता है, 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। अब एक क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट और उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कन्वर्ट द गिवन फीट टू मीटर्स, यार्ड, इंच एंड सेंटीमीटर। दिए गए फीट को, जो हमारा लेंथ दिया है फीट में, उसे हमें मीटर में, यार्ड में, इंच में और सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट पार्ट है 4 फीट, सेकंड है 8 फीट, थर्ड है 3.5 फीट। तो हम फर्स्ट को करा दे रहे हैं, बाकी सेकेंड और थर्ड आप सेम टू सेम खुद कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। पार्ट फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फीट टू मीटर में चेंज करें, फीट को मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो वी नो दैट 1 फीट इक्वल टू होता है 0.305 मीटर। सो 4 फीट इक्वल टू हो जाएगा 4 × 0.305 मीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 1.220 मीटर। तो 4 फीट में 1.22 मीटर होता है। ठीक है, अब इसे हम यार्ड में चेंज करेंगे स्टूडेंट, किस में चेंज करेंगे, यार्ड में। तो फीट टू यार्ड, यार्ड मतलब गज। तो वी नो दैट 1 फीट इक्वल टू 0.333 यार्ड होता है। तो 4 फीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 0.333 यार्ड। मल्टीप्लाई करेंगे 1.332, इसे और शॉर्ट करेंगे तो 1.33 यार्ड। कहने का मतलब 4 फीट में 1.33 यार्ड होता है और 1.22 मीटर होता है। अब इसी को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट इंच और सेंटीमीटर में, इंच और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा, तो फीट टू इंच, जब हम फीट से इंच में चेंज करेंगे तो वी नो दैट 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। सो 4 फीट इक्वल टू हो जाएगा 4 × 12, तो 12 × 4 = 48 इंच। कहने का मतलब 4 फीट में 48 इंच होता है। अब सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो फीट टू सेंटीमीटर, अब हम चेंज करेंगे फीट टू सेंटीमीटर, तो वी नो दैट 1 फीट इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर। सो 4 फीट इक्वल टू हो जाएगा 4 × 30.48 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 121.92 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब है 4 फीट में 121.92 सेंटीमीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हुआ सिंपल लेंथ। अगर सिंपल लेंथ दिया गया है तो कैसे हम उसे चेंज करेंगे। अब हमने देखो स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया कि अगर 4 फीट को उसमें मीटर में कैसे चेंज करेंगे, यार्ड में कैसे चेंज करेंगे, इंच में कैसे चेंज करेंगे और सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन का सेकेंड और थर्ड पार्ट होमवर्क है, जो आप खुद से करेंगे। अब मान लीजिए कोई एरिया है, कोई रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका लेंथ दिया गया 20 फीट और ब्रेथ दिया गया है 10 फीट। इसका हमें एरिया फाइंड करना है मीटर में और एरिया फाइंड करना है, और इसका एरिया फाइंड करना है यार्ड में। तो कैसे करेंगे, एरिया इन स्क्वायर मीटर। अब हम फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, आप जानते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसका लेंथ दिया गया 20 फीट, तो पहले फीट को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई एक फीट में 0.305 मीटर होता है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.305 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ को भी चेंज करेंगे हम मीटर में, क्योंकि हमें एरिया मीटर में फाइंड करना है। ब्रेथ इसका 10 दिया गया है, 10 फीट को मीटर में चेंज करने के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.305 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फीट से मीटर में चेंज करने के लिए 0.305 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 20 में 0.305 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.100 मीटर आएगा, ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.05 मीटर इसका ब्रेथ हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.605 मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं हम 18.61 स्क्वायर मीटर, ये आ गया इस एरिया का, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इन मीटर फॉर्म में। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे यार्ड में, एरिया इन स्क्वायर यार्ड। एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसका दिया गया है 20 फीट, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई एक फीट में 0.333 यार्ड होता है, तो लेंथ को भी यार्ड में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेथ को भी यार्ड में कन्वर्ट करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.333 यार्ड इंटू ब्रेथ को करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.333 यार्ड। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ हो जाएगा स्टूडेंट, इसका लेंथ हो जाएगा 6.66 यार्ड, इसका लेंथ हो गया, और ब्रेथ हो जाएगा 3.33 यार्ड। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 22.1778 स्क्वायर यार्ड, शॉर्ट करेंगे तो इसका थर्ड डिजिट 75 से ज़्यादा है, तो ये जब हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 22.18 वर्ग गज इसका हो गया एरिया। ठीक है स्टूडेंट, और अब ये आपके सामने होमवर्क दिख रहा होगा, तो पहले क्वेश्चन का जो भी हमें पहला क्वेश्चन कराया था प्रॉब्लम, उसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप इसका होमवर्क करिएगा। और एक थर्ड प्रॉब्लम है, एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया गया है जिसका लेंथ 40 यार्ड है, ब्रेथ इसका 12 यार्ड है, इसका एरिया फाइंड करना है इन स्क्वायर मीटर में और इन यार्ड स्क्वायर में करना है, जैसे हमें प्रॉब्लम नंबर 2 करा है वैसे आपको करना है। तो इन होमवर्क का जो है आंसर आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के माध्यम से कि किसी भी लेंथ को या किसी भी फील्ड को या किसी भी एरिया को कैसे हम फिट से मीटर में चेंज करेंगे, फिट से यार्ड में कैसे चेंज करेंगे, फिट से इंच में कैसे चेंज करेंगे, फिट से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।